नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला धूमनगंज इलाके का है, जहां तीन बदमाशों ने ठेकेदार के घर पर बमबाजी की और जिसमें दो लोग घायल हो गए। पूरी घटना पर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में शुरू कर दी है, लेकिन बमबाजी करने वाले बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। घटना के पीछे पैसे का लेन देन सामने आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी घटना नीवा पुलिस चौकी के महज 500 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन बदमाश आसानी से बमबाजी कर फरार हो गए। रात को 8 बजे सूचना मिली थी कि धूमनगंज में राकेश के घर पे कुछ लोगों ने बम फेंका है। पुलिस वहाँ पे तत्काल गई थी। घर उनके दीवार पे बम लगा हुआ था, उनमें हल्की सी चोटें उनके पैर में आई थी। जब जानकारी की गई तो मालूम चला कि राकेश दुबे का लड़का और जो लड़का आरोपी है सलमान, दोनों दोस्त हुआ करते थे और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। उनके बीच कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था और जिसके ही वजह से इस लड़के ने ऐसा किया है, और उसमें हमारी टीम में लगी, जल्दी ही उसको पकड़वा लेंगे। सलमान नाम का जो लड़का है गिरफ्तार होगा। नामजद उनके खिलाफ तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दो लड़के और जो बताए गए थे कि शामिल थे उसमें, उनकी भी तलाश की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।